हेलो एवरीवन, लेट्स रीड चैप्टर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दिस चैप्टर कंटेन्स टू स्मॉल स्टोरीज इन विच फर्स्ट दिट इज अबाउट अ सीगल, अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। सो दैट स्टोरी वी विल रीड इन द फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियम ओ फ्लाहर्टी। एंड द सेकेंड पार्ट इज ब्लैक एरोप्लेन, written by Frederick Forsyth. Now, before you read, since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. लंबे समय से इंसान का एक ही सपना रहा है कि वो आसमान पे विजय पा सके, कॉन्कर कर सके। यहाँ पे दो कहानियाँ हैं ऐसी ही, इंसान और एक पक्षी के उड़ान के बारे में। A young seagull is afraid to fly. एक यंग सीगल है जो कि उड़ने से डरता है। How does he conquer his fear? और वो कैसे अपने डर पे जीतता है? That we will read in the first story. Whereas the second story, a pilot is lost in storm clouds. एक पायलट है जो कि बादलों के बीच खो जाता है। Does he arrive safe? क्या वो सेफ बचता है? Who helps him? और कौन उसकी हेल्प करता है? That is the subject matter of the second story, Black Aeroplane. So now let's read the stories one by one. And the first one is his first flight. मतलब उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल किनारे पे अकेला खड़ा था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। लेकिन उसे उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द एज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम एफ्रेड। कैसे भी करके उसने खुद को थोड़ी दौड़ के बाद तैयार तो किया उड़ने के लिए, अपने पंख भी फैलाएं, लेकिन वो डर के मारे उड़ नहीं पाया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बिनिथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। वो जहाँ तक देख पा रहा था उसके नीचे समुद्र का फैलाव था, मीलों तक। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। So he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो डर के मारे वो अपने सिर को नीचे करके वापस उसी होल में जाकर सो जाता है जहां वो कल रात सोया था। Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than him, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. यहाँ तक कि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, जो कि उसके उससे उम्र में काफ़ी छोटी थी, वो भी उड़ चली, लेकिन ये यंग सीगल इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया अपने उस ड्रीम को पूरा करने में जो कि कोई भी बर्ड हमेशा से देखता है, दैट ड्रीम इज टू फ्लाई। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे। उसके माता और उसके पिता भी आते हैं, उसे धमकाते भी हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, तुम भूखे ही मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो खुद को जिंदा रखने के लिए अपने उस डर से जीत नहीं पा रहा था। देयर वाज 24 आवर्स अगो, लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। अब पिछले 24 घंटे से कोई भी उसके पास नहीं आया है। द डे बिफोर All day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अभी एक दिन पहले की ही बात है जब वो देख रहा था कि उसके पेरेंट्स उसके भाइयों और उसकी बहन को सिखा रहे थे हाउ टू फ्लाई, हाउ टू डाइव एंड हाउ टू कैच फिश फ्रॉम द सी। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हर्डिंग एंड डेवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। वो देख रहा था कि कैसे उसके बड़े भाई फिश को पकड़ कर और उसे पत्थर पर रख कर उसे मार कर उसे खा रहे थे। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके तरफ चारों तरफ घेर करके काफ़ी कैकल मीन्स प्रोड्यूसिंग अ साउंड विच एवरीबडी लाइक सो दैट ही कुड बी फुल ऑफ enthusiasm, मीन्स उसको खुश करने के लिए उसके जो पेरेंट्स थे चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग
The whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with the cowardice. और सुबह के वक्त फैमिली के सारे मेंबर्स दूसरे प्लेटू पे जाकर के वहाँ से इसकी तरफ इसे टॉन्ट कर रहे थे, इसे चिढ़ा रहे थे इसकी डरपोक एक्टिविटीज़ के कारण. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. अब सन आसमान में चढ़ता जा रहा था और सन की चमक इस लेज पे साफ आ रही थी. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. वो पिछली रात से ही कुछ भी नहीं खाया था तो उसे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही थी. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg and the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. तो वो स्लोली मूव करता हुआ लेज के किनारे पे आ जाता है और एक पाँव पे खड़ा, दूसरे पाँव अपने पंखों के बीच छिपाए एक आंख बंद करता है और फिर दूसरी, मतलब एक एक कर वो अपनी दोनों ही आंखों को बंद कर लेता है. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग असलीप, और ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो सो चुका हो. स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन अभी भी उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली मेम्बर्स ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स. हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स on his white back. Only his mother was looking at him. Sirf uski maa thi jo uski taraf dekh rahi thi, baki uske dono bhai lete hue aur uske father apne dono beto aur apni beti ke feeders ko theek karne mein lage hue the. She was standing on little high hump on the plateau, his white breast thrust forward. Wo akeli hi khadi thi us plateau pe jahan se wo dekh rahi thi. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और उसकी माँ, actually she was sewing. She was making him quite a type of greedy. वो उसको लालच दे रही थी ताकि ये seagull किसी भी तरह से jump करके उड़ने की कोशिश तो करे. और उसे खुद भी ये काफ़ी पसंद था कि वो फिश को अपनी बीक्स में छुपा करके उसे रॉक्स पे पटक करके उसको मारा करता. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो बिल्कुल बेग करता है, बिल्कुल जैसे याचना कर रहा हो फूड के लिए कि कोई उसे फूड लाकर को लाके तो दे दे. गा कोला शी स्क्रीम्ड बैक ड्रेसिवली, अब उसकी माँ रिप्लाई करती जैसे कि वो कोई स्टूपिड हो. वो मतलब उसकी तरफ ऐसे रिप्लाई करती जैसे कि उसके उसकी कोई परवाह ही नहीं है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, उसकी माँ उसकी तरफ फिश के एक पीस के साथ आती है और उसके चारों तरफ मंडराना शुरू कर देती है. ही लीन्ड आउट एज यू कैन सी इन द पिक्चर. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted. लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल उसके ठीक सामने आ जाती है, पहाड़ी के सामने, वो रुक जाती है. Her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. तो जब उसकी माँ चक्कर लगाकर उसके बिल्कुल काफ़ी नज़दीक उसके सामने आ जाती है, उसे फिश दिखाती तो है मगर उसके बीक में डालती नहीं बल्कि पीछे आ जाती है. इस सीन को देख करके ये यंग सीगल बिल्कुल मैडेंड, बिल्कुल पागल हो जाता है, बिकॉज ही वॉज सो हंग्री एंड ही वॉज वेरी डेस्परेट टू हैव दैट फिश ऑफ दैट पीस ऑफ फिश. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. एक लंबी चीख के साथ वो कूद पड़ता है, पहले तो ऊपर की तरफ और फिर downwards, नीचे की तरफ. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और तभी उसके दिमाग में बिल्कुल एक terror, एक डर बैठ जाता है और उसका heart जैसे beat करना बंद कर देता है. He could hear nothing, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था.
बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन वो बस कुछ मिनट की ही बात थी. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही मोमेंट वो ये फील कर पा रहा होता है कि उसके विंग्स फैल चुके हैं, उसके पंख फैल चुके हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स देन अंडर हिज स्टोमैक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और जो हवा है वो उसके फीदर्स के थ्रू उसके स्टोमैक उसके पंखों के ऊपर से पास कर रही है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो ये फील कर पा रहा है कि उसके जो विंग्स हैं वो हवा को काटते हुए तैर रहे हैं. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वो सिर के बल गिर नहीं रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा था लहरों के साथ, हवा की लहरों के साथ. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे कोई डर नहीं था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हाँ उसे थोड़ी थकान थोड़ा चक्कर सा फील हो रहा था, बिकॉज आफ्टर ऑल ही वॉज हंग्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, गा 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 गा, लाइक हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, अब उसे उड़ता देखकर उसकी माँ भी उसकी तरफ साउंड देती है और वो भी उसे चिल्लाते हुए रिप्लाई देता है. देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसके फादर भी उड़ते उड़ते उसके ऊपर से पास करते हैं. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और तब उसके दोनों भाई और उसकी बहन ये चारों भी उसके आसपास उड़ना शुरू कर देते हैं. देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो बिल्कुल भूल जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो उड़ने से डरता था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व स्ट्रीकिंग स्ट्रीली, अब उसमें वो ताकत आ चुकी थी कि वो डाइव भी लगा रहा था, सोर भी कर रहा था, कर्व्स भी ले रहा था और साउंड्स भी क्रिएट कर रहा था, बिल्कुल पतले साउंड्स अपने बीक से क्रिएट कर रहा था. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल सी के नज़दीक था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, अब वो बिल्कुल ओशन की तरफ देखते हुए पढ़ता जा रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, वो पहाड़ी पर वो समुद्र के बीच छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी उन रिजेस की तरफ देखता हुआ मूव करता और अपने बीक्स को थोड़े स्टाइल के साथ टर्न करता हुआ दिखाता. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ऑन दिस ग्रीन फ्लोटिंग अहेड ऑफ हिम, उसके फैमिली के सारे मेंबर्स इसी चट्टान पे खड़े थे. दे वेर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वो उसे बढ़ावा दे रहे थे, उसे हिम्मत दे रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पाँव अब समुद्र में डूब रहे थे, मतलब कि वो समुद्र में डुबकी भी लगा रहा था. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, हालांकि उसने काफ़ी हिम्मत की कि वो अपने पूरी शक्ति को लगा करके सी लेवल से ऊपर उठने की कोशिश करे, मगर क्योंकि वो पिछले दो दिनों से काफ़ी भूखा था, काफ़ी एनर्जीलेस था, तो वो उठ नहीं पाता है, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, वो उड़ नहीं पाता है, वो समुद्र की लहरों पर ही बैठता है, लेकिन वो यहाँ पर ये फील करता है कि ही सैंक नो फर्दर, वो डूब भी नहीं रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रेप्स ऑफ डॉग फिश, अब वो ना तो हवा में तैरने के, ना तो वो हवा में उड़ने के समय डूब रहा था, गिर रहा था, और ना वो समुद्र में जब वो तैर रहा है तब भी वो डूब नहीं रहा है. सो दिस वॉज क्वाइट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर हिम, बिकॉज फॉर दिस ओनली ही हैड बीन स्टार्विंग एट द रिज ऑफ द माउंटेन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, वो इतने समय से डर के मारे जिस एडवेंचर को ट्राई भी नहीं कर रहा था. एक्चुअली दैट वॉज नॉट मोर एन एडवेंचर, इट वॉज जस्ट कैजुअल, इट वॉज जस्ट अ वेरी ईजी थिंग. ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड इन दिस वे ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. So what does the story tell us? The story tells us that something is different only if we take it in mind that it is difficult. Nothing is difficult unless it is tried. If something is difficult, means it has to be tried and you, not others, but you have to make out your work, make out your steps
into it so that you will find that it is not actually difficult, but it's a very easy task. So that's for the part one of the story. We will read about the part two in our second story, that is the Black Aeroplane. So till then, goodbye.